भाई ये देखो सामने में दिख रहा है कौशल का हॉस्टल। तो आपको पता होगा कि अपन जा कहाँ रहे हैं, ठीक है। तो भाई आज का प्लान ऐसा है कि अभी कौशल के पास जाते हैं, कौशल को लेंगे, अगर उसका गेट पास मिलता है तो, और लेकर के थोड़ा सा इधर उधर घूमेंगे। कुछ छोटा सा काम है भाई का, कुछ शॉपिंग और करवाना, सब करवाने के बाद अपन उसे वापस हॉस्टल में ड्रॉप करेंगे। इसलिए भाई आज का ब्लॉग यहीं से शुरू होता है। देख रहे हो क्या कबाड़ भरा पड़ा है यार। कौशल कहाँ गया? कौशल कौशल वेयर इज कौशल मैन? हाय 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 हाय, ये रहा कौशल दौड़ता हुआ आ रहा है भाई। कौशल, कौशल के फ्रेंड सारे दौड़ रहे हैं। किधर मालिक, किधर गाड़ी वहाँ लगाऊँ छाए में? नमस्ते, चल चल बढ़िया। अरे मेरे भाई लोग कैसा भाई? बढ़िया बढ़िया, उम्मीद नहीं था आने का। जा रहा था। नहीं एक्चुअली क्या था ना कि मैं लेट भी निकला था, 12 बजे वहाँ था, 12 बज के 21 मिनट पे मैं वो गेट के अंदर घुस गया था। गेट के अंदर इधर ख़राब रास्ता है। तकरीबन 11:30 के बाद ही निकले, 11:35-40 ऐसा ही कुछ। भाई पहुंच तो गया, अभी कौशल गया भाई अपना गेट पास वगैरह का अरेंज करने, मतलब परमिशन लेना होता है हॉस्टल से बाहर जाने के लिए। तो पहले परमिशन मिल जाता है, उसके बाद देखते हैं भाई को कुछ सामान वगैरह खरीदवाना है, उसको सामान खरीदवा देंगे और उसके बाद वापस से थोड़ा सा घूमेंगे, उसको ड्रॉप कर देंगे। बस हैव फन, नथिंग मोर, बस यही है स्टोरी। एंड अभी फ़िलहाल वीडियो यहाँ से शुरू इसलिए किया कि भाई घर से सारी वीडियो शुरू होती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो भाई 15 मिनट के अंदर मैं समेट दूँ। कई बार एडिटिंग में क्या होता है ना कि अभी अपन प्रोफेशन नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, तो समझ सकते कि वीडियो बहुत लंबा मेरे से खिंच जाता है एडिटिंग में। सो ऐसा नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि वीडियो को शॉर्ट करने का। सो देखते हैं क्या होता है। 22 राइडर कहाँ है? हरियागंज से। अच्छा, आप राइडिंग कहाँ पे करते हैं? बेसिकली अपन यहाँ भी अभी फ़िलहाल कुछ दिन से हैं यहाँ पे, तो यहाँ करते हैं, अदरवाइज अपन लखनऊ वगैरह, दिल्ली वगैरह उधर साइड में जाते हैं। 310 है नहीं? हाँ 310 है। आरआर 310 ना, ये कस्टम मॉडल है। जी भाई ये आ जाएगा, एक दो ब्लॉक के बाद आ जाएगा। एक दो दो दूसरा ब्लॉग है ये? हाँ मतलब नहीं, पहले एक ब्लॉग आएगा और फिर मतलब तीसरे दिन आ जाएगा ये। टैंक फुल, टैंक फुल। तो भाई फ्यूल अप भी हो गया, थोड़ा सा चक्कर काटना पड़ा। एंड अभी चलते हैं, एक पास में नया हॉस्टल बन रहा कौशल का, तो वहाँ पे चलते हैं। फिलहाल अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट कौशल बोल रहा है कि नहीं चल लो, मतलब चलो भाई थोड़ा सा घूम लें इसी बहाने से, समझ रहे हो। तो ये जो पास में दिख रहा है ना पहाड़, तो यही है लंगर कोट, और वो जो बिल्डिंगें दिख रही हैं ये है नया हॉस्टल। हालांकि इधर जाते किधर से हैं वो अलग बात है, ये कहीं से घूम के होगा। चलो चलते हैं। एंड आई थिंक वहाँ पे एक मंदिर भी है। सो ये है भाई इधर से रास्ता, थोड़ा सा कच्चा कच्चा रास्ता है, बट कोई बात नहीं, हम नंगी आँखों से देखेंगे। किधर चलना है? फॉलो भाई, मंदिर तो इधर है बट भाई इधर लेके चल रहा है। इधर से रास्ता है कौशल भाई? कौशल को पता है, अपने को पता नहीं है, अनजान जगहों पे घूमने का बात अलग है। लेकिन ये भी प्लेस बहुत सही है, वहाँ वाले प्लेस से सही है कौशल लोग के लिए।
ये आई थिंक हॉस्टल का ही बाउंड्री है। ये रहा, ये तुम्हारा स्कूल है। ये नया हॉस्टल है भाई, ये सारे बिल्डिंगें जो देख रहे हो ना, ये ब्रांड न्यू, अभी ओपनिंग नहीं हुआ है क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो भाई क्या बात है, ये लोकेशन पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये बहुत अच्छा लोकेशन है कौशल भाई। पूरा घूम गए हम लोग ऐसे राउंड, हमें इधर से ही आ रहे थे अभी। तो काफ़ी बड़ा स्पेस में बना रहे हैं ये लोग, ये वाला हॉस्टल काफ़ी बड़ा स्पेस में बन रहा है। एंड भाई चलो नवोदय के और भाई लोग जो बोल रहे थे ना, भाई ब्लॉग डालो ब्लॉग डालो, लंगर कोट वाले मतलब इस वाले हॉस्टल का ब्लॉग डालने के लिए बोल रहे थे कि भाई जहाँ बन रहा है ना हम लोग का हॉस्टल, उसका लोकेशन दिखाना भैया कैसा है। तो ये देखो भाई, सारे लोकेशन क्लियर क्लियर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे छाया में रुकते हैं ना, लगा अच्छा लगा। ये तो वहाँ से बहुत अच्छा है, वो परमानेंट साइट नहीं है, टेंपरेरी है वो। तो मतलब फिलहाल तो परमानेंट था ना? नहीं वो टेंपरेरी है, उसके लिए पैसा भी देना पड़ता है। अच्छा ना, अभी देखो अपना बिल्डिंग नहीं था। सो भाई ये देखो अभी नया नया बिल्डिंग बन रहा है मस्त। और भाई ये लोकेशन भाई लोग के लिए सही है, मतलब काफ़ी अच्छा स्पेस है, काफ़ी अच्छा प्लेग्राउंड वगैरह, बीच में बहुत स्पेस है। इधर तो बहुत दूर तक स्पेस है, अभी ये बन जाएगा ना भाई। भाई चलो कौशल को थोड़ा सा आगे घुमाते हैं, आगे भी बॉयज़ हॉस्टल बन रहा है तो बॉयज़ हॉस्टल दिखाते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग। अब देखते हैं कहाँ चलना है। तो ये है बेसिकली मेन गेट, और ये रास्ता ऐसे क्या बोलते हैं अभी बंद है, और अगर हॉस्टल चालू होगा तो हम लोग की सबकी एंट्री इधर से ही होगी। इसे भाई छोटा सा हॉस्टल टूर भी कह सकते हो, क्योंकि भाई चाहो पूरा होटल है ये, पूरा हॉस्टल है। यहाँ से देख लो मेन गेट से एंटर करते हैं, पहले सबसे पहले आएगा आपको बॉयज़ हॉस्टल, एंड देन बीच में है थोड़ा सा स्पेस, एंड देन एकेडमिक बिल्डिंग। ये पूरा बॉयज़ हॉस्टल हो गया, और बीच में बहुत सारा खाली स्पेस है। चलो धूप लग रहा है बहुत भयंकर वाला यार। चलो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना 22 राइडर। ये रहा, चलो तीन को ग्रुप में डाल देना यार, शायद चार हो जाए। चलो थैंक यू भाई, सही है एकरा। भाई देख रहे हो मतलब बाइक के फैन सभी जगह पे हैं। एंड ये रहा एकेडमिक बिल्डिंग, इसके बाद आएगा भाई आगे गर्ल्स हॉस्टल, और बीच में भी मेस हो सकता है। ये मेस है, और सबसे लास्ट में उधर हो गया गर्ल्स हॉस्टल। ये मेस है भाई, और सामने में मंदिर है भाई, किसी भगवान का भी हो बट एक हिंदू टेम्पल है। एंड ये रहा भाई गर्ल्स हॉस्टल, ये टीचर की बिल्डिंग बगल में, और जस्ट पास में हो गया ये गर्ल्स हॉस्टल, क्योंकि टीचर लोग भाई ऑब्वियसली यू नो सिक्योरिटी के चक्कर में भाई थोड़े नियर बाइज में रहेंगे, लड़के तो अपना सिक्योरिटी देख लेंगे। तो चलो अब यहाँ से आउट होते हैं फटाफट। और एक और बिल्डिंग, अब ये किस लिए ये पता नहीं। तो भाई लंगर कोट के बाद अपन छतरपुर गए थे, एंड छतरपुर के बाद भाई मैं बच्चा बन जा रहा हूँ, पूरा जूते में पानी घुस गया। एंड छतरपुर के बाद भाई अपन वापस आए, तो एक अलग सा हाइपर राइड सूट किया, बिकॉज की बाइक मस्त भगाते हुए आए हैं, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया।
बाइक बहुत भयंकर भगाए हैं, वो वीडियो देख लेना जा करके, आई बटन लिंक आ रहा होगा। एंड इस राइड को कंटिन्यू करते हैं। एंड अभी चलो मोहित कौशल को थोड़ा सा शॉपिंग करवा के उसके बाद इसको हॉस्टल जल्दी से ड्रॉप करते हैं, बिकॉज की टाइम हो गया 5:11। किधर चलना है, किधर? आगे से आगे, आगे है मार्केट भाई, पूरा मतलब कच्चे में पानी जाकर चला गया भाई। ओ भाई लेकिन मानेंगे नहीं, मजा आ रहा है बारिश तो राइड करके। ये ओ बेटे भाई जब लगे भाई बारिश में घूम रहे हम लोग, जहाँ कोई निकलने को तैयार नहीं वहाँ हम लोग बारिश में घूम रहे। देख रहे हो शूज वगैरह सब भिंगा लिया हूँ मैं, अब मेरा हो गया भाई 2 दिन का राइड। शूज वगैरह, हालांकि दूसरा शूज है मेरे पास, भूल गया था मैं, राइड कैसे मैं रोक सकता हूँ, पूरा भीग गया भाई पूरा। भाई बारिश में ब्लॉग कर रहा हूँ, हंसी आ रहा है अपने आप पे। ओ भाई, ओ भाई बारिश में राइड, बारिश में ब्लॉग और राइड कौन करता है। भाई गाली दे रहा बंदा, अबे बारिश में छींटे पड़ेंगे ही। ओ भाई कहाँ लेके आया बे, और किधर चलना है? अबे यार बड़ा गलत जगह पे ले जा रहा है तू भाई, ऐसे जगह पे ची ची ची, बारिश हुआ है ना। भाई एक यहाँ पर छोटा सा सुपर मार्केट टाइप का मिल गया जपला में, और यहीं से भाई का सामान खरीद लिया फटाफट। अब कहीं रुकना नहीं है, अब सीधा हम लोग निकलते हैं, कौशल को छोड़ते हैं और फटाक से भागते हैं। भाई भाई इतना भीग करके तो मैं कभी नहीं चलाया हूँ गाड़ी। नहीं साइड करते हैं, साइड करते हैं, 2 मिनट दीजिए। रांची में नहीं रहते हैं? हाँ मैं लखनऊ में रहता हूँ, हरियरगंज के ही हैं। ये रहा चैनल लिखा हुआ इधर। हाँ हाँ चलो सब्सक्राइब करना बड़ी। ओके खतरनाक भाई, रिएक्शन तो बहुत तगड़े तगड़े मिल रहे हैं इस बारिश में। भाई सबका प्रोसेस हो गया एंड भाई बारिश में तो पूरा भीग गया, अभी बारिश हो रहा है भाई पूरा गाड़ी का सत्यानाश, गाड़ी का छोड़ो पूरा भीग चुका हूँ ऊपर से नीचे। एंड चलते हैं घर पे, और होपफुली कि घर पे आपको सीन दिखा करके एंड करेंगे वीडियो, ठीक है, किस हालत में मैं पहुँचा हूँ। तो चलो मिलते हैं, कौशल गया अभी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होते हैं उसे कंप्लीट करूँ मैं। सो भाई अभी घर पे पहुँचे हैं, सारा ऑल टू ऑल सामान भाई पूरा भीग गया है। बस वहाँ पे हॉस्टल में रुके थे कौशल के हॉस्टल में, तो वहाँ पे सारे पन्नी में रैप कर दिया था मैं, सारे जो भी गैजेट थे कैमरा था एवरीथिंग मैंने पैक कर दिया था। बट मान के चलो पूरा ग्लव्स से लेकर के एवरीथिंग जितना है ना सब का सब भीग गया था। ये सारा देखो भाई पानी नीचे टपक रहा है, इसलिए कपड़ा लगा रखा हूँ, पूरा पानी टपक जाएगा फिर इसको हीटर से सुखा दिया जाएगा, हीटर में डाल के। एंड एवरीथिंग सारे कैमरा वगैरह तो सेफ थे अपने। भाई इधर खाने का सामान इग्नोर करना, सारे सब पैक कर दिया था, बट फिर भी वॉलेट वगैरह एवरीथिंग भीग गया था भाई। ये देखो, ये देख रहे हो, सो अभी जैकेट वगैरह सब पूरा पानी टपक रहा था। एंड अभी रख रखा हूँ और पूरा नीचे पानी टपक रहा है, इसलिए कपड़े लगा दिए वहाँ पे। एंड अभी शूज़ वगैरह भी पूरा भीग गया था, और जो भी हमारे गैजेट वगैरह थे सब देखो बढ़िया सेफ था, बट
वॉलेट थोड़ा सा भीग गया था क्योंकि तब मैं पैकेट में रखा हुआ था और मैंने ध्यान नहीं दिया, पैकेट नहीं बैग पैकेट में था, बट तब तक भीग गया था। एंड लकीली कि वो अंदर से भीगा नहीं, अंदर में पेपर्स वगैरह भी होते हैं छोटे मोटे पेपर एंड खैर कार्ड होते हैं तो कोई इशू नहीं था, बट फिर भी लेदर का प्रोडक्ट अगर भीगता है ना भाई, लेदर का कोई भी सामान अगर भीगता है तो ऑब्वियसली ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है भाई। राइड करना इतना आसान नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, राइड करना बहुत एक टफ टास्क है। सो क्या ही कर सकते हैं भाई, अपन राइडर हैं तो इतना तो हम झेलेंगे। सो कोई बात नहीं है, एंड फिलहाल अपन चाय इन्जॉय करते हैं भाई। एंड सो भाई, अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख ही लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने भाई को सपोर्ट करना भाई। एंड बस फिलहाल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राइडिंग गियर्स पहनो, हेलमेट पहनो एंड सेफ राइड करो। याद रखना कोई भी छपरी गिरी नहीं चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सेफ राइड।